ये स्टूडेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का जो आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसको हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपका सेट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया। तो जो पेपर है बच्चों वो काफ़ी ईजी है, तो सेट फर्स्ट जो है ये हिंदी मीडियम का यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम में है। तो फर्स्ट का आंसर जो आपका हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर आपका सी रहेगा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवोल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। उसके बाद सेकंड है व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, ये जो है इसका सेकंड का बी हो जाएगा। थर्ड का आपका एम जी ओ बनेगा, टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रहेगी। फोर्थ का आपका एसिड प्रेजेंट इन टमेटो इज ऑक्सैलिक एसिड, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये आपका हिंदी मीडियम में दिया गया है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एन अल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर, व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बेस है लेकिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है। फिफ्थ का बी हो जाएगा। सिक्स्थ का सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सेवन्थ का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है ये आपका बनेगा, सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट का बी हो जाएगा, इसमें ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन टेन ये हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो, तो बस हम डिस्कस करेंगे इनको इंग्लिश मीडियम में। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वो किसकी वजह से होगा, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। टेंथ का आपका 3:1 रेशियो रहेगा। इलेवंथ में इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रमोट सेल डिवीजन, क्लियर है, इट प्रमोट सेल डिवीजन। नंबर 12 का आंसर आपका डी रहेगा, हैविंग द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे, तो देखिए 2 LED बल्ब हैं, इसके अंदर क्या है, सीरीज में कनेक्ट हैं, और सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो करंट सेम रहेगा। तो अगर 12 वॉट के बल्ब में करंट 0.06 है तो इसमें भी कितना रहेगा, 0.06 एम्पियर ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 16, ये आपको दिया गया है। 17, 18 ये आपके असर्शन रीज़न। देखिए 15 का आंसर आपका क्या रहेगा, 15 का हाफ हो जाएगा। आप जब इसमें लगाएंगे H इज इक्वल टू I² RT से करके देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका हाफ आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जब आप इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इसमें आउट ऑफ द पेस आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, तो 17 में जो 17 का है आंसर ए रहेगा, 18th का ए रहेगा, 19th का भी ए रहेगा, 20th का सी आंसर रहेगा, इसके अंदर 20th का सी रहेगा। तो ये तो थे आपके सारे 1 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये सब यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट है। कॉपर ऑक्साइड है कॉनिकल फ्लास्क में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालेंगे कॉन्स्टेंट स्टरिंग, तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, क्लियर, ग्रीन इसका कलर होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। उसके बाद कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, इसमें टू गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो सारा इसको इसमें जो आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस है वो प्रोसेस इसमें आपको देना था। नेम द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, तो मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। बहुत ही डायरेक्ट और ईजी क्वेश्चन, और ये सारा जो है हमने जो सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे बायो के, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन ए प्लांट, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, ठीक है, विच ऑर्गन शोज नेगेटिव फॉर पॉजिटिव एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, ईजी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन रिलेशन विद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, रीनल आर्टरी, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट। उसके बाद है टू ग्रीन प्लांट्स आर सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, तो ये दिया गया है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में आपको यहाँ पर विजन आइडेंटिफाई करनी थी, कौन सा विजन शोन है एंड इसके टू कॉजेज हैं एंड नेम द लेंस विच इज़ यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, क्लियर। तो ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है, तो ये आपको मायोपिया दिया गया है, कॉजेज लिखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी, अपीयर ब्लैक क्यों दिखाई देता है, बिकॉज एटमोसफेयर नहीं है। एंड 26th ईजी है। उसके बाद 27 में आपको इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन दिया गया है, बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑफ एसिड क्यों डाला जाता है, ताकि जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके। कैथोड एनोड पे कौन सी गैस लिब्रेट होती हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। सेफ प्रोसीजर ऑफ डायल्यूटिंग ए स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड,
सॉल्ट का नाम लिखना था, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी पीएच लिखनी थी। ड्राई एचसीएल क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं। हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड एंड लिस्ट द रोल ऑफ ईच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्रिप्सिन, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, स्लाइवरी अमाइलेज, ये दे रखा है। उसके बाद देखिए डबल सर्कुलेशन बिल्कुल डायरेक्ट है, सेपरेशन क्यों होता है हार्ट में, हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसीलिए होता है। क्लियर, डिफाइन करना था आपको प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और लेबल डायग्राम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ACDC का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सोलेनॉइड का क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको डिफरेंस देना था, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट रहता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बिटेनोइक एसिड एंड क्लोरोपेंटेन का फॉर्मूला बनाना था यहाँ पे, और ठीक है तो ये जो है आपको करना था, डिफ्रेंशिएट करना था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में जनरल फार्मूले के साथ, और ये रिएक्शंस दी गई हैं तो यहाँ से आप जो है देख सकते हो। एंड लेबल डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप, ओम्स इलेक्ट्रिक करंट रिलेटिव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, ठीक है ये करना था। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है वाई शुड एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस, एंड ये दिया गया है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट पेपर, और ओवरऑल जो है अगर हम बात करें तो पेपर काफ़ी इजी है, सारे ही क्वेश्चंस वे हैं जो डायरेक्ट आते हैं, कोई ऐसा इसमें पेपर में कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के कुछ नहीं दिया हुआ, बिल्कुल बढ़िया पेपर है और डायरेक्ट पेपर है। तो आपको पेपर जो है कैसा लगा और कैसा आप करके आए हो, कितना लगभग आपका स्कोर रहेगा वो जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर, तो यहाँ से देखिए ये भी न्यूमेरिकल काफ़ी बार देखा गया है, यहाँ से इस तरह का न्यूमेरिकल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, तो आई होप आपने ज़रूर इसको कर दिया होगा। सो आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।